भैया मैं कहता हूं रुक जाओ। आवाज सुन के मैं डर गया था। इससे पहले कि दीपक यहाँ आ जाए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पीछे क्यों? ताकि पीछा करने वाले को देख सकूं। खून बह गया है, लाओ रुमाल बांध दो। बहुत दर्द है ना? मैं जानती हूँ गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें गोली लगी। गोली तुम्हें लगी, मुझे लगी, एक ही बात है ना। तेरी में मन समाए
दीपक ने एक मुसाफिर से मोटरसाइकिल छीन ली है, वो पहुंचता ही होगा। कौन? शीतल? शीतल, शीतल, मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बहुत दूर जाना है, बड़ा काम करना है। तुम्हें मेरी सौगंध भारत। जिनको प्यार किया जाए उनका दिल नहीं तोड़ा करते। जाओ भारत। शीतल पहले भी तुम्हारी अमानत थी, अब भी हम इसके साथ हैं, इसको कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया चलो ये लोग शीतल को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम चलो। विजय अपने भाई का ख्याल रखना। भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मोहन बाबू गाड़ी घुमा लीजिए, शीतल को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं भैया नहीं, हॉस्पिटल जाने का वक्त तो निकल गया है, अब कहीं और जाने का वक्त आ गया। शीतल? हाँ मोहन बाबू, अब तो कुछ ही सांसों की मेहमान हूँ। सुनिए आप तुलसी है ना? हाँ। आप मुझे नहीं जानती। जानती हूँ, आप बाबू की रामन की सीता हैं। मैं और सीता नहीं तुलसी, नहीं सीता तो वनवास में भी साथ देती है, मैंने तो दुख में उसका साथ छोड़ दिया था। फिर मुसीबत में है, तुम उसका साथ मत छोड़ना। ये लो अंगूठी, इसे पहन लो। नहीं, ये आपके हाथ में अच्छी लगती है। तुलसी, जाने वालों की बात नहीं मोड़ा करते, इसे पहन लो, भगवान की है। नहीं। मेरी ना सही, तुम्हें तुम्हारे भारत की सौगंध। भारत आपका है। तुम्हें मेरे भारत की सौगंध तो पहन लो। रोने लगे हैं? हाँ, अपनी बहन को विदा करते हुए भाई नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा? मोहन बाबू, आपने मुझ पे बहुत से एहसान किए हैं, एक आखिरी एहसान और करेंगे। भारत खतरे में है, उसका साथ दीजिए।